छात्र संसद में शामिल होने आए हैं और 94 विद्यार्थियों में 24 विद्यार्थियों का चयन किया गया जिसमें 12 छात्रा हैं और 12 छात्र हैं। उन छात्रों में से सभी का एक डेजिग्नेशन तय किया गया है। तो एक लड़की हमारे साथ एक छात्रा है जिनका प्रीति कुमार विश्वकर्मा नाम है, छात्र सदस्य है और जिन्हें CM बनाया गया है। क्या और कैसा लग रहा है प्रीति? सबसे पहले तो थैंक यू इस इंटरव्यू के लिए। और कैसा लग रहा है वो तो मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम आई थिंक होने वाली है। और हम छात्र जो बेसिकली यहाँ पर आए हैं एक युवा छात्र के रूप में, युवा मतलब वो जो कि आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे, हमारा देश आगे कैसा होगा, हमारा राज्य आगे कितना विकास करेगा, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ तक जाएंगे, इसकी जो हमें झलक देखने को मिलेगी इसकी निर्धारण करने की पूरी पूरी जिम्मेदारी हमें है। और मुझे पूरी आशा है, अपेक्षा है और उम्मीद है और पूरी विश्वास है कि आने वाले दिन में जो एक युवा अपना रोल निभाने के लिए जा रहे हैं वो बेशक ही काबिलियत तारीफ होगी। थैंक यू। जो आपका मुख्य विषय है वन संरक्षण को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के आपका है, क्या कुछ झारखंड को किस दिशा में दिशा और दशा देने वाली हैं, तो क्या आपके तरफ से क्या कुछ रहेगा? कहते हैं कि लोकतंत्र का जो मंदिर है और आज मैं वहीं पे खड़ी हूँ। लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जहाँ हम सरकार बनाते हैं, जहाँ हम सरकार गिरा भी सकते हैं और जहाँ हम सरकार बन भी सकते हैं। तो ये एकमात्र शासन व्यवस्था का ऐसा रूप है जो हर एक दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। भारत जैसे विशेषकर देश जो विविधताओं से भरा महत्वपूर्ण एक देश है, जिसकी विविधताएं इतनी अनेक है, जहां पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, जहां एक का चुनाव नहीं किया जा सकता, सबको लेकर चलना है। और ऐसी जो हमें शासन व्यवस्था मिलती है वो मात्र और मात्र लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही देखने को मिलती है। और हमें हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का आधार लोकतंत्र है। थैंक यू। धन्यवाद प्रीति। हमारे साथ छात्र भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या विषय है आपका, आकर यहाँ झारखंड विधानसभा परिसर में कैसा महसूस हो रहा है। चयनित हुए 24 जिलों से चयनित होकर के जो छात्र यहाँ पर आए हैं, क्या आपका विषय क्या है, क्या मुझे विधानसभा में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया है और कल वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2021 पारित होना है जो संबंधित मेरे मंत्रालय से है। तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक दायित्व है, एक दारोमदारी है। चूंकि झारखंड वन कंदराओं का प्रदेश रहा है या इसकी खूबसूरती इसकी वन संपदा है, और चूंकि ये मंत्रालय सीधे मेरे अंतर्गत आता है और कल बिल भी पारित होना है, तो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि मैं इसे बहुत अच्छे से करूं। रही बात अनुभव की, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप देखते हो, जब आप कोई सपना देखते हो और उस सपने को साकार होते देखते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। एक पूरी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है झारखंड विधानसभा की, उसकी बारीकियों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। इसके लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को सहृदय आभार कहता हूँ। मनीष, वन संरक्षण और संवर्धन के लिए आप क्या कुछ अपने तरफ से सलाह देंगे, क्या कुछ, चूंकि ये विषय जो परिषद है, मंत्री परिषद, ये आपको मिला है, क्या जी जो संबंधित विधेयक है उसके बारे में तो कल बातें होंगी, लेकिन जो एक खाका हमारे मस्तिष्क में है कि हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जैसे कुछ अफसरों की नियुक्ति होगी, कुछ प्राधिकरण बनने को हैं, इससे संबंधित कुछ बजट होंगे हमारे सामने, कुछ खर्च होंगे, साथ ही कैसे हम लोकल बॉडीज को शामिल करेंगे वृक्ष संरक्षण और संवर्धन में, इन तमाम बातों को समेटते हुए जो बिल है वो कल सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और भी छात्र छात्राएं हमारे समक्ष हैं जिनसे हम बातें करेंगे। हाँ, आपका आपका क्या विषय है, किन चीजों पर कल चर्चा करेंगे, क्या बहस होगी झारखंड में, किन चीजों, जो आपका विभाग है, विभागीय क्या कुछ तैयारियां हैं आपके पास, कैसा लग रहा है झारखंड विधानसभा परिषद में आकर? सबसे पहले तो आप सभी को जोहार, मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं सत्ता पक्ष से हूँ। मेरा इस बार का मतलब हमारा विषय रहा है 75 वर्ष के आईने भारतीय लोकतंत्र, जिसपे हमें बोलना था। कल हमारा मेन मुद्दा होगा कि हम लोग झारखंड, ऐसे तो कहा जाता है झारखंड मतलब झार और खंड, ये दो चीज है, और हमारे देश की, अब हमारे राज्य की बोल सकते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि इतने संशोधन होने के बावजूद भी, इतने हमारे पास सब चीज है लेकिन इसके बावजूद विकास नहीं हो पा रहा है, ये जरूरी था। तो कल इसी पे चर्चा होगी कि कैसे इसे संरक्षित किया जा सके, कैसे इसमें बदलाव लाया जा सके, क्या और हो सकता है, हम सभी मिलकर इस पे मिल बांट कर, कोई यहाँ पक्ष विपक्ष ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे हम लोग सब में एकता है, हम लोग पूरी अपनी जान लगा देंगे कि सब संरक्षण हो सके जो भी है हमारे पास। एक आदर्श के रूप में ये सारे बच्चे जो हैं, जन प्रतिनिधि को भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, चूंकि सदन में काफी हंगामा होता है। और एक और छात्र हमारे साथ अभी, क्या और किन विषय पर
पर चर्चाएं करेंगे आज? जैसे कि हमारा जो विधेयक है वो वन संरक्षण को लेकर के, और मैं जिस जिला से आ रहा हूँ साहिबगंज जिला, यहाँ के अत्यधिक वनों की कटाई जो हो रही है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उसको हम संरक्षण के किस प्रकार क्या प्रावधान ला सकते हैं जिसके हम लोग इस पर और ज़्यादा बेहतर रूप से कार्य कर सके, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस माध्यम से मैं आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें बस यही कहना चाहूँगा कि आज ये छात्र संसद के माध्यम से हमें जो ये मौका मिला है अपने क्षेत्र के बातों को आगे लाकर लोगों तक प्रतिनिधित्व करके उन्हें उजागर करने का, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी छात्र ऐसे नेता हैं, छात्र जो पढ़ रहे हैं, उन सभी जागरूक हो हमारी समस्या को लेकर के और बेहतर प्रयास करें जिससे कि हम सभी झारखंड को एक बेहतर उन्नति राज्य की ओर ले जा सकें। तो इन छात्रों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि 94 छात्रों में से मात्र 24 छात्रों का चयन हुआ है, 24 जिले हैं जो झारखंड की मुख्य महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, इस पर ये पक्ष और विपक्ष बांटा गया है, कल इस पर बहस भी होगी और ये छात्र जो हैं एक आईना दिखाने का कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।